भारत में सड़कों का इतिहास सदियों पुराना है। एक समय था जब दूर दराज के इलाकों में संपर्क की कमी से लोग त्रस्त थे। आजादी से पहले 1917 में सड़कों के विकास के लिए भारतीय सड़क विकास समिति बनाई गई। भारत के सड़क संजाल में चार तरह की सड़कें आती हैं: राष्ट्रीय, राज्य, जिला मार्ग और ग्रामीण सड़कें। आजादी के बाद के 65 साल तक के सफर में कम आबादी वाली बसावटों को जोड़ने का काम निरंतर चलता रहा है। सड़कों के निर्माण कार्य में प्रगति भी हुई है। भारत के पास 3 लाख किलोमीटर सड़कों का विशाल नेटवर्क है जो पूरे देश में फैला हुआ है। PMGSY के तहत 1,60,000 क्षेत्र को सड़कों से जोड़ने का काम जारी है। PMGSY का प्राथमिक उद्देश्य गांवों, कस्बों, बाजारों को राजमार्गों से जोड़ने के लिए ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क को दुरुस्त करना है। गांव के विकास में मील का पत्थर साबित हुई PMGSY। इन सड़कों के माध्यम से गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। तो पहले 4 महीने 4 घंटे लगती थी। की प्रगति करने के लिए भारत सरकार ने सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। बाद में UPA सरकार ने इसे अपनी महत्वाकांक्षी योजना भारत निर्माण में शामिल किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य मैदानी इलाकों में 500 से अधिक आबादी वाली बस्तियों और पहाड़ी क्षेत्रों, रेगिस्तानी तथा जनजातीय क्षेत्रों में 250 से अधिक जनसंख्या वाले बसावटों को 12 महीनों सड़कें उपलब्ध कराना है। सड़क बनाना से ज्यादा हमारा फोकस है कि बसावट को जोड़ना है, ताकि उसकी जो कृषि उत्पाद है उसके वो मंडी तक आ जाए। जो शिक्षा के लिए बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे, विशेषकर लड़कियां नहीं पढ़ने आ रही, वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। और कभी बीमारी है, हेल्थ से संबंधित कोई वजह है, आधी रात को उठ के भागना पड़ता है और सड़क नहीं होने से कुछ भी घटना घट सकती है, तो लोग जो हैं ऐसे में इन सुविधाओं का उपयोग कर सकें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1 की सफलता और मांग को देखते हुए PMGSY 2 की नींव रखी जा चुकी है। PMGSY 2 में सामान्य क्षेत्र के लिए 75% केंद्र और 25% राज्य वहन करेंगे, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों, रेगिस्तान और जनजातीय क्षेत्रों के लिए 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार की भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हो रहे काम से देश के लगभग 6 लाख गाँव में विकास की नई परिभाषा लिखी गयी है। लेकिन वही दूसरी तरफ बारिश में सड़कों का खराब होना इस तथ्य को भी उजागर करता है कि निचले स्तर पर इन सड़कों के रखरखाव के उचित उपाय नहीं हो रहे हैं। इस समस्या को दूर करने के प्रयास के तहत UPA सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वितीय लागू करने की प्रक्रिया में है, जिसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी भी दे दी है। ऋतु वर्मा, DG News।